Hey guys, welcome to my channel. तो आज मैं बनाने वाला हूँ मसल बिल्डिंग प्रोटीन शेक, जो कि कैलोरी इसमें होगी बहुत सारी, लगभग 800 कैलोरी, और प्रोटीन भी 50 ग्राम से ऊपर मिलेगा. तो उसको मैं बनाने वाला हूँ, गोना हेल्प यू अ लॉट. तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ओट्स, मिल्क, बनाना, वॉलनट, डेट्स, पीनट बटर. तो मैं सारा लिख दूंगा, स्क्रीन पर आ जाएगा सारा, देख लेना. तो अमाउंट भी लिख दूंगा मैं, स्टार्ट करते हैं. तो बनाने के लिए सबसे पहले हम ओट्स लेंगे, और ओट्स को हम पहले ग्राइंड करेंगे पाउडर फॉर्म में. उसके लिए मैं ओट्स ले रहा हूँ, वो होगा आपको 50 से 60 ग्राम. अब अपना देख लो, मेरा स्पून से वो मेजर्ड है, तो मेरे लिए आसान होता है फिर लेना यहाँ से. एक बार अगर आप ओट्स को पाउडर फॉर्म में कर लेते हो तो आपको आसान होता है, क्योंकि एक तो आपको ओट्स की ऐसे टेस्ट नहीं आएगी ऐसे डायरेक्ट, और पाउडर फॉर्म में होने के बाद थोड़ा टेस्ट ही ज्यादा हो जाता है शेक आपका. इसके लिए पाउडर फॉर्म में कर लो एक बार अच्छे से. अब वो हो गया, फिर हम तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें. तो इसके बाद पाउडर फॉर्म में हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 300 ml ऑफ मिल्क. आप कोई सा भी मिल्क यूज कर सकते हो. और साथ में हम डालेंगे वॉलनट्स. वॉलनट्स 4 डालना आप. अब उसके बाद डालेंगे इसमें 4 डेट्स. फिर डालेंगे इसमें 2 बनाना. और उसके बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन. लास्ट में डालेंगे हम 1 स्पून ऑफ पीनट बटर. अब इन सबको करेंगे ग्राइंड. तो ये हमारा शेक तैयार हो गया है. आपको मसल बिल्डिंग हो, वेट गेन हो, जैसे मैंने अभी बल्किंग स्टार्ट किया तब तो मैं डेली पीऊंगा, वरना अगर ऐसे नहीं भी है तो भी मैं इसको हमेशा पीऊंगा ऐसे, क्योंकि काफ़ी मसल आपको, आप स्किनी हो तो आपको तो बहुत हेल्प होगा इससे. तो यार तो टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है एक तो पहली बात. और फिर से आपको ऐसा आप चाहो तो मॉर्निंग में यूज कर सकते हो, पी सकते हो, आपको जल्दी हो जाता है. अगर टाइम नहीं आपके पास तो टाइम बचता है बहुत ज़्यादा इसे, तो वो भी नहीं है कि आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए इसके लिए, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो. और इसको मैं एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ सुबह सुबह. अभी वर्कआउट करने जाऊँगा मैं तो उससे पहले मैं इसको पी लेता हूँ. तो यह आप ऐसे ट्राई कर सकते हो. अराउंड 800 कैलोरीज मिलेंगी आपको, और प्रोटीन भी मोर देन 50 ग्राम्स ऑफ आ जाएंगे. तो इसे आपका अच्छा खासा अमाउंट पूरे दिन का पूरा हो जाता है एक बार में. तो तभी मैंने बल्किंग स्टार्ट किया था, दैट गोना हेल्प मी अ लॉट. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये शेक ट्राई करो. आप भी टेस्टी भी है, और आपको बहुत सारा कैलोरी एक बार में ही मिल जाएगा. और ये इजी, क्योंकि ऐसे आप हार्ट गेनर हो तो आपको खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे भी होती है, तो उस केस में भी ये बहुत हेल्पफुल है. तो या आई विल अपडेटिंग अबाउट माई डाइट्स जो भी मैं ले रहा हूँ बल्किंग में. दैट्स ऑल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को. अगर नहीं देख पहले बार देख रहे हो मेरे वीडियो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा. सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो. थैंक यू.